पिता की जिंदगी खतरे में होना तो एहसास होता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। Anyway, I'll see you soon, right? And you take good care of yourself. Bye. See you soon. सिमरन बेटा, सागर। हाय मामा, हाय पापा। दादू कैसे हैं? बस क्लास। बहुत जल्दी घर आ गए। अरे रहने दो, नानू काका कहाँ है? वो बाजार गए हैं। आपको करेले बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने उन्हें बाजार भेजा है, क्योंकि आज पहली बार किचन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। ओह गॉड, सेव अस। नो वरी, मैं सिर्फ मेन्यू बना रही हूँ, खाना तो नानू काका ही बनाएंगे। तो मेरा मेन्यू कार्ड क्या हो रहा है भाई? बस आपका इंतजार हो रहा था। वृंदा, कल पहली बार ऐसा हुआ कि हम दोनों घर में नहीं थे, या यूं कहें कि कल पहली बार तुम दोनों हम दोनों से अलग रहे। हाँ पापा, बिकॉज ऑफ मम्मा आप भी तो कहीं नहीं जा सकते। सागर, ऐसा नहीं कहते। सॉरी मम्मा। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी क्या गलत कहा तुमने, जो दिल में है जबान पर आ गया। शायद इस घर के लोग भी यही कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। वृंदा भाई, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, अकेले सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लगी है भाई। सो लेट्स सेलिब्रेट। अक्षय की शादी की खुशी में क्या किया जाए? देख लिया तुमने, आराधना पहले से सब कुछ जानती थी पर उसने हमें नहीं बताया। अक्षय चाचू शादी कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, तुम भी ना वृंदा। बेटा तुम लोग जाओ अपने कमरे में जाके पढ़ो। पूरी बात जाने किसी डिसीजन पे मत आओ ना भाई। ये भी तो हो सकता है कि संजना और अक्षय एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो। अच्छे दोस्त? हाँ अच्छे दोस्त। अगर यही बात होती तो पहली मुलाकात में संजना वृंदा भाभी, आराधना भाभी ये सब कुछ क्यों कहती? पहली बार मिली हो उससे, उससे भी शिकायत है तुम्हें? मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। अगर संजना इस घर में शादी करके बहू बनकर आएगी तो मुझे खुशी ही होगी। पर एक बात बता देती हूँ, अक्षय और संजना की शादी की बात करने का हक हमें ही मिलना चाहिए, समझे? वैसे प्रॉब्लम क्या है जवाहर अंकल की? प्रॉब्लम? ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही? कल रात 9 बजे। बेटा जरा तुम पापा को देखा। डॉक्टर साहब, चलो कम से कम जवाहर अंकल के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आएगी। मैं आपकी बात समझी नहीं। नहीं, आज सुबह से आपको काफी मिस करते रहे हैं इसलिए। नमस्ते आंटी। नमस्ते मेरे दोस्त। वो
पापा आपको देखने आए थे। आंटी मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। अच्छा मर्सी मॉम, बाय। हाँ बेटे बाय। वैसे प्रॉब्लम क्या है जवाहर अंकल की? प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ रहे हैं? डॉक्टर तो आप हैं। नहीं डॉक्टर तो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ उनके मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए। अब उनके दिल और दिमाग में क्या कश्मकश चल रही है ये तो मुझे आपसे जानना है। और वैसे भी आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो दिल और दिमाग की बात जान सके। कहिए ना निर्मला आंटी, ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है? मेरा अभी एक छोटा सा फर्ज बाकी है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है बेटे।